भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पवन मीणा उप महापौर नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 8 में आने वाले गांव रत कांकरा, बंदा, धर्मपुरा, गणेश नगर, बिनोवा भावे नगर, हडोती कॉलोनी, सुमन कॉलोनी आदि शामिल हैं। पूरे राजस्थान में कोरोना से बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 से हर आयु वर्ग का व्यक्ति प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरोना काल में लोगों के लिए अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इस संबंध में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आज मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार विधायक कोष से आम नागरिकों के लिए राहत सामग्री वितरित किए जाने के आदेश किए थे। इस संबंध में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र से विधायक महोदय मदन दिलावर द्वारा राहत सामग्री के लिए अनुदान राशि नगर निगम कोटा दक्षिण को जारी की गई है। पवन मीणा उप महापौर ने अपने गृह क्षेत्र में आने वाले निर्धन गरीब परिवारों को भी राशन सामग्री दिलाए जाने के लिए मदन दिलावर विधायक महोदय रामगंज मंडी कोटा को पत्र लिखकर निवेदन किया गया है कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी निर्धन परिवार वालों को भी राहत सामग्री वितरण की जाए, जिससे उनको इस कोरोना काल में सहायता प्रदान की जा सके और सभी को इस महामारी के समय में मदद मिल सके। मोहन जी, आपने जो मदन दिलावर जी को पत्र लिखा है वो किस संदर्भ में लिखा है? चूंकि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है, जिनका जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, और अभी हाल फिलहाल ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के निर्देश अनुसार लगभग हर विधानसभा के विधायक ने अपने अपने क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये राशन सामग्री वितरित करने के लिए जो है स्वीकृत किए हैं। चूँकि अभी हाल फिलहाल अपने कोटा के अंदर, जैसे कोटा उत्तर है, लाड़पुरा है और कई पीपलदा है, लगभग सब जगह पर जो है राहत सामग्री का वितरण हो चुका है, परंतु हमारे विधानसभा रामगंज मंडी के अंदर अभी तक एक भी कट्टा जो है, एक भी राशन सामग्री किसी को वितरित नहीं की गई है। इसीलिए मैंने आज हमारे जो रामगंज मंडी के विधानसभा के जो विधायक महोदय हैं श्री मदन दिलावर जी, उनसे एक पत्र के माध्यम से एक निवेदन किया है कि आप जो 8 वार्ड जो हमारे नगर निगम कोटा दक्षिण के परिसीमा में आ रहे हैं, उनके लिए भी जल्द से जल्द राशन सामग्री का व्यवस्था करवाएं, ताकि यहाँ के जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उन्हें राहत मिल सके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए कोटा से विजय कोंडल की रिपोर्ट। Back.